नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। शिक्षा का मंदिर या गंदगी का अड्डा, क्या कहेंगे आप ऐसी जगह को जहां अभिभावक अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और काबिल बनाने के लिए भेजते हैं और वहां बच्चे गंदगी में रहने को मजबूर हों। हर तरफ देखने को मिल रही है गंदगी। ऐसा ही देखने को मिलता है शासकीय महाविद्यालय में, जहां लगा हुआ है गंदगी का अंबार। शासन द्वारा स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं और करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। बात कर रहे हैं रावगढ़ शासकीय महाविद्यालय की, जहां इसके उलट ही देखने को मिलता है। कंप्यूटर कक्ष में कंप्यूटर पर ही नहीं बल्कि हर जगह धूल जमी होती है। वहीं कॉलेज की फाइलों पर भी बहुत अधिक मात्रा में धूल पड़ी हुई है। कॉलेज की दीवारों पर देखने को मिलेंगी तस्वीरें जो किसी महापुरुष की नहीं बल्कि गुटके से थूक कर बनाई गई हैं। शौचालय में बड़ी गंदगी पड़ी रहती है, साथ ही हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था ही नहीं। कॉलेज में जगह जगह लाइट के बोर्ड खुले पड़े हैं, साथ ही लाइट के तार भी वहां लटके हुए हैं, मानो कि किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। जिस जगह वाटर कूलर लगा हुआ है वहां पर भी गंदगी फैली हुई है। प्रिंसिपल सर आए नहीं क्या? बस आई इसी इसी कलर में इसको पूरा जो है उनका क्या, इसको सब फेंक कर तब तब कलर ले लो। जब इस महाविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर पी के झा से इस सफाई के विषय में बात की तो उन्होंने बताया कि इस महाविद्यालय में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से कुछ बच्चे पाउच खाकर थूक देते हैं, जिनको हम रोकने की कोशिश करने वाले हैं। शौचालयों को भी बहुत जल्दी ठीक कराया जाएगा, जिससे बच्चों को वहां परेशानी का सामना ना करना पड़े। चालू है सीसीटीवी कैमरा? नहीं, अभी नहीं, लगने वाला अभी। ये तो कॉलेज प्रशासन बतलाएगा जो है। तो ये टाइल्स जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लगाते हैं। हाँ, तो 5-7 साल हो गया तो गिरना गिर गया। अब नए सिरे से फिर वहीं से आए। यहाँ पे लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट है, सब गंदगी पड़ी है, टूटे पड़े। लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग। हाँ, टूटे पानी की रह गई है तो देखना पड़ेगा। जैसे कि वो पढ़ाई के लिए बच्चे कहाँ से आते हैं? समाज से आते हैं। जब समाज से बच्चे आएंगे तो बच्चों ने थूका है वो तो देखो। यहाँ तो NSS कार्यक्रम होता है, उसमें स्वच्छता का काम उल्टा देखने को नहीं मिलता। देखो यहाँ तो बच्चे जब 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे में यदि 5-10 बच्चे भी ऐसा निकला 100 में, वो थूक दिया, आप सब सफाई करके गए थूक दिया, तो आप क्या करोगे उसको? 1000 बच्चे जब हैं उसमें मान लो 5% भी बच्चा यदि गुटखा खाता है तो 50 बच्चे हुए हैं, और यदि थूक दिया, अब देखने के लिए तो कोई बैठा नहीं है वहाँ पर,
साफ सफाई में साफ सफाई तो रोज होता है, रूमों तो, रूमों में ताले इसलिए लगाया जाता है कि जब क्लास नहीं है तो वहाँ पर कोई माना बच्चे बच्चियाँ कुछ जो है बिना मतलब का नहीं बैठे, इसलिए जहाँ क्लास लगती है उसमें तो ताले नहीं लगे हैं, जिसमें ताले लगे हैं उसमें क्लास नहीं चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट रूपेश मीना ने बताया कि टॉयलेट में गंदगी पड़ी रहती है, साथ में पानी की व्यवस्था भी नहीं है, बच्चे जहां मन करता है गुटखा खाकर थूक देते हैं, टाइल्स भी निकली हुई हैं, जहां पर स्वच्छता रखी जानी चाहिए वहां पड़ी रहती है गंदगी। कुछ खा पी के तंबाकू वगैरह खा के हमें नहीं थूकना चाहिए, यहाँ पे स्वच्छता रखनी चाहिए, यहाँ की टाइल्स पड़ी हुई है, लोग बेमल खा के थूक रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। टॉयलेट कैसे? टॉयलेट में सर बहुत गंदगी है, पानी नहीं आता, टॉयलेट में पानी नहीं आता बिल्कुल भी। समझ से परे है कि जो काम पहले ही हो जाना चाहिए था वो हमारे बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि जल्द ही सब दुरुस्त कर दिया जाएगा, ऐसा वो पहले भी कर सकते थे। अब यहाँ से बच्चा क्या सीख कर जाएगा, यही कि गंदगी में रहना चाहिए या फिर स्वच्छता में, कैसे होगा स्वच्छ भारत का सपना पूरा। रावगढ़ से हमारे सहयोगी तेज सिंह यादव के साथ कमलेश सैनी की रिपोर्ट। साइंस सिटी कॉलोनी के रहवासियों ने लगाया नेशनल हाईवे पर जाम, पानी की समस्या को लेकर शहर के रहवासियों उग्र होते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में नेशनल हाईवे पर भी जाम लगाया गया, जिसे बमुश्किल पुलिस के दखल के बाद खुलवाया गया। साइड में आई रहे निकल जाम खोलो पहले जाम और जाए लंबा नहीं नहीं आई रहे वो निकल आए वहाँ से सबको अभी आ रहे हैं। सर हमें पानी की समस्या है और बहुत मतलब बहुत देर से हमें आ रहे हैं इस पर कलेक्ट्रेट में, फिर भी हमारी सुनवाई पूरी नहीं हो रही। जैसे तैसे अगर एक बोर भी लगा हुआ है, उधर भूमि पूजन कराई थी तो जहाँ भूमि पूजन हुई थी वहाँ पे बोर नहीं लगा, दूसरी जगह लगाया है। गर्मियों की शुरुआत में ही पानी की किल्लत से पूरा शहर जूझ रहा है, वहीं बरसों से कुछ समाज से भी पानी बचाने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं गुनिया नदी के उद्धार के लिए भी कई बार प्रयास किए जा चुके हैं। वर्षों के बाद भी सिंध नदी का एनिकेट जस का तस पड़ा हुआ है, जबकि अगर उसे पहले ही समय रहते बनवा लिया जाता तो शहरवासियों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। इसी कड़ी में साइंस सिटी कॉलोनी के रहवासियों ने पानी से तंग आकर हाईवे पर लगा दिया जाम। घंटों जाम लगे रहने के बाद बमुश्किल पुलिस ने इसको खुलवाया, जिसके बाद जिला कलेक्टर राजेश जैन ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलवाया, जहां उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्दी उनकी समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। चुनावी बिगुल बजने से पहले ही शुरू हो गई चुनावी तैयारियां। वर्ष 2018-19 में चुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रशासन अभी से मुस्तैद दिखाई दे रहा है, जिसके चलते गुना शहर में ईवीएम मशीनें आ चुकी हैं। इन मशीनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नवीन कलेक्ट्रेट भवन में लाया गया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति की मांग को लेकर आज बार काउंसिल एसोसिएशन हड़ताल पर चली गई है। वकीलों की हड़ताल पर जाने से आम नागरिक परेशान नजर आए, इसका कारण था कि पेशी पर वकीलों का ना पहुंचना, जिसके चलते मुवक्किल भी इधर उधर घूमते नजर आए।
लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं के चलते बार काउंसिल ने आज हड़ताल पर चले गए हैं। लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं के चलते बार काउंसिल एसोसिएशन ने आज से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। साथ ही यह निश्चय किया गया कि किसी भी तरह के न्यायालयीन कार्य में वे विलुप्त नहीं होंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट में नियुक्त जज बहुत ही कम है, जिसके चलते न्यायालयीन प्रक्रिया काफी धीमी हो रही है। बार काउंसिल एसोसिएशन की मांग है कि जल्द से जल्द जजों की नियुक्ति की जाए, जिससे न्यायालयीन प्रक्रिया तेजी से संभव हो। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने ये हड़ताल रखी है प्रोडक्शन एक्ट के लिए, और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो हाईकोर्ट के जज की पद खाली है, हमारे न्यायालय परिसरों में जो उपभोक्ता फॉरम और लेबर कोर्ट व्यवस्थित नहीं है, उनको लेके जो मांग रखी है, इस मांग को पूर्ण करने के लिए ये शांतिपूर्ण हड़ताल है। ये हड़ताल 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चलेगी, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में चलेगी। इससे वकील अपने कार्य से व्रत रहेंगे, न्यायालय में किसी तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे। विगत दिनों बजरंगगढ़ में हुए हंगामे के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ पूरा ग्वाल समाज हुआ एकजुट, जिसके चलते आज जिला कलेक्टर राजेश जैन को सौंपा गया ज्ञापन। दो दिवस पूर्व बजरंगगढ़ में शासकीय कुएं के कब्जे पर लेकर ग्वाल समाज के साथ भट्ट परिवार आमने सामने आ गया था, जिसके चलते बात इतनी बढ़ गई कि ग्वाल समाज के 3 लोगों को गंभीर चोटें आई, जिनके बाद उन्हें ग्वालियर रेफर करना पड़ा। ग्वाल समाज का यह भी आरोप है कि भट्ट परिवार कई वर्षों से अपना आतंक बजरंगगढ़ में करता आ रहा है, जिसके चलते कुछ माह पूर्व भी एक महिला के सरेआम पिटाई कर दी गई थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद वहां से थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया था। ग्वाल समाज का यह भी आरोप है कि पुलिस उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, साथ ही मामला दर्ज नहीं किया जा रहा, जिससे चलते कि भट्ट परिवार का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इन सभी बातों को बताने के लिए ग्वाल समाज एकत्रित होकर जिला कलेक्टर राजेश जैन से मिला। तारीख को बजरंगगढ़ में ग्वाल समाज के साथ उद्यम भट्ट परिवार ने किया, और संख्या बल के आधार पर उन्होंने उद्यम भी किया, और हमारी समाज परसों से रही है वहाँ। इसके बावजूद भट्ट समाज का इतना आतंक चल रहा है बजरंगगढ़ में, हर किसी समाज को पकड़ता मारता लड़ते हैं, और प्रशासन भी उनकी मदद करती रहती है। अब उन्होंने सरकारी बावड़ी जो पूर्वजनों से हमारे आजे परजादे पानी पीते चले आ रहे हैं, इन सरकारी ज़मीन पर और बावड़ी पर उन्होंने तार फेंसिंग करके कब्जा कर लिया, और जो सरकारी लैंड ली थी सरकारी ज़मीन में, उस लैंड को उनने प्लाऊ से तोड़ दी। जब प्लाऊ से तोड़ दी पूरी लैंड, तो पूरी हमारी बस्ती का पानी बंद हो गया, जो कि हमारी बस्ती बरसों से उस बावड़ी से पानी भरती आई है। जब पाइप लाइन टूट गई, हमारी समाज में पानी जाना बंद हो गया, तो हमारी समाज की 2-4-5 महिला और 2-3 लड़के उस कुआ पे पानी भरने आए। जब पानी की समस्या ख़त्म हो गई तो पानी भरने आए तो भट्ट परिवार ने आके एकदम आक्रमण कर दिया। 2 तो हमारी महिला घायल हो गई, 3 हमारे बच्चे घायल हो गए, जो बच्चे के 10-12 टांकियाँ आएँ वो ग्वालियर रेफर कर दिए गए हैं। और इस प्रकार से उन्होंने उद्यम किया और उल्टा प्रकरण हम पे बनवा रहे हैं, और हमने उनकी रिपोर्ट लिखी है, उनको पुलिस ने अभी तक भी गिरफ्तार नहीं किया है। और हमारे साथ जास्ती हो रही है ग्वाल समाज के साथ, क्योंकि हमारा सीधा सच्चा समाज है, कभी किसी से लड़ता नहीं है, कभी किसी से उलझता नहीं है, और उन लोगों को इतना आतंक है, सरकारी ज़मीन कब्जा है, सरकारी बावड़ी पर कब्जा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। वहाँ जो TI उसको भी कहा, TI भी लापरवाही कर रहे हैं, पटवारी गया वो भी भगे आया, और धमैया देखना के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, और हमारी समाज के खिलाफ और भी प्रकरण बनवा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। हमारे समाज जो कि आज तक अगजान नहीं की, उन्होंने अपनी टपरिया में, खुद की टपरिया में जब उन्होंने ये देखा कि हम पे 307 लग गई, क्योंकि हमारे 2-3-4 लड़कों के 10-10 टांकियाँ आएँ, जब उन पर 307 की कायमी हो गई, तो उन्होंने सोचा हम क्या करें, तो उन्होंने खुद की टपरिया में खुद के आदमियों से आगे लगवा कर उनका इन पर आगजानी लगवा दो। उन्होंने खुद की टपरिया में खुद को स्कूल में आग लगा ली, सामान फेंक दिया, और मुकदमा वो हम पे कायम करा रहे हैं। साहब ये ग्वाल समाज ने आगजानी की है, जो कि हमारे समाज के ऐसा कभी काम नहीं करते हैं, ना आगजानी करते हैं, ना कभी किसी से लड़ते हैं। ठीक, लिपिक संभाग की बैठक का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद अभी तक लिपिक संभाग की किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते लिपिक संभाग ने आज एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें यह फैसला लिया गया कि आगामी 12 एवं 13 अप्रैल को सामूहिक अवकाश का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो लिपिक संभाग की मांगों को लेकर भोपाल में एक रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से अपनी मांगे दोहराई जाएंगी। यदि इसके बाद भी मांगे नहीं मानी जाती है तो वही रथ प्रदेश भर के हर जिले हर ब्लॉक में पहुंचाया जाएगा, जिससे लोगों एवं कर्मचारियों को बताया जाएगा किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी मांगों को नहीं माना है।
ये हमारी लिपिक संवर्ग की एक कमेटी गठित की थी सीएम साहब ने, जिसकी 23 अनुशंसाएँ कमेटी के द्वारा सीएम साहब को सौंपी गई हैं, जिसके संबंध में सीएम साहब 2 बार घोषणा कर चुके हैं। अभी हमारे संगठन को सीएम हाउस पर बुलाकर बोला था कि 2 महीने में आपकी ग्रेड पे की मांग जो है पूरी कर दी जाएगी, आपकी जो 23 अनुशंसाएँ जो समिति ने सिफारिश करके हमको दी हैं उनको हम 1 महीने के अंदर लागू कर देंगे। लेकिन इसके पश्चात भी हमारी इस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया शासन ने। इसके संदर्भ में हमारे प्रांतीय आह्वान पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त 6 संगठनों द्वारा दिनांक 12 और 13 अप्रैल का सामूहिक अवकाश लेकर इसका विरोध किया जा रहा है कि यदि इसके बाद भी हमारी मांग सीएम साहब पूरी नहीं करती हैं, गवर्नमेंट पूरी नहीं करती है, तो इसके पश्चात हमारे जो 6 संगठन हैं प्रांतीय उनके द्वारा एक रथ निकाला जाएगा जो भोपाल में घूमेगा। इसके पश्चात भी यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में वो रथ घूमेगा और सभी कर्मचारियों को ये बताएगा कि शासन द्वारा कब कब हमारी किस किस मांग को घोषणा की गई है और उनमें से कौन कौन सी मांग है जो अभी हमारी लंबित हैं उनको पूरा नहीं किया गया है। इसी संदर्भ में आज हमारे गुना जिले की ये बैठक रखी गई थी जिसमें 6 संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और लगभग 40% फॉर्म हमारे शेष रह गए हैं, 60% फॉर्म हमारे भरे हुए हैं जो पूर्ण करके जिला प्रशासन को सौंप दिए गए। आजाद अध्यापक संघ के प्रदेश संगठन की अनुशंसा पर प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि प्रदेश सरकार अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में एक सम्मेलन के माध्यम से अध्यापक संघ की सभी मांगों को मानने जा रही है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अध्यापक पहुंच सके इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजाद अध्यापक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री भगत पटेल जी के आह्वान पर सभी ब्लॉकों में बैठकों का आयोजन किया गया। इसी तारतम्य में गुना में भी आज स्वतंत्रता पार्क में बैठक रखी गई है, जिसमें माननीय भरत पटेल जी से जब फोन पर और व्हाट्सएप पर चर्चाएं हुई तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्री विभागीय अधिकारी पॉजिटिव हैं और वे अपना शिक्षा विभाग विलय, 7वां वेतनमान, गुरुजी की वरिष्ठता, अन्य सारी समस्याओं का निराकरण हेतु शीघ्र ही अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में सम्मेलन कर सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसलिए वहां जाने के स्तर से कि लोग वहां जल्द ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इसलिए ये बैठकों का आयोजन किया गया। बजरंगगढ़ में एक निजी स्कूल में हुई तोड़फोड़। स्कूल के संचालक का कहना है कि रविवार को दिन कुछ लोगों ने आकर यहां पर तोड़फोड़ कर दी। इसके साथ ही कंप्यूटर लैपटॉप भी तोड़े गए, वहीं स्कूल के काउंटर में रखे 1 लाख रुपए भी चुरा के ले गए। हालांकि स्कूल संचालक ने किसी का भी नाम नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने ये जरूर कहा है कि गोसी मोहल्ला में रहने वाले कुछ लोगों ने यहाँ पर तोड़फोड़ कर दी। पर दो गुटों में भाई साहब ये चंद्र प्रकाश भट्ट जी और वसु मल्ला में दंगा हुआ। मैं तो स्कूल चलाता हूँ, बंद करके गुना चला गया तो ये आके यहाँ से स्कूल की टोड़ा फोड़ की, सारा रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया। 5 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप और 2 LED, एक 52 इंची और एक 32 इंची और RO लगा हुआ था पानी का, वो सब नष्ट कर दिया गया। अंदर से जो मेरी फीस रखी थी करीबन 1,25,000 रुपये, वो तिजोरी टूटी हुई है, वो भी ले गए हैं और सारा एक कमरे का फर्नीचर टोट टाल का सारा सामान हमें पकड़ दिया। करीबन 2-2.5 लाख का फर्नीचर ख़त्म हो गया, तो करीबन मेरा 7-8 लाख का नुकसान है। ये इधर से ये गोसी मोहल्ला वाले लोग आए थे, थोड़ा फोड़ी तो इन लोगों ने की है, तो अब इन लोगों में लड़ाई हुई तो वो इधर तोड़ने के स्कूल भी तोड़ दिया साथ में। न्यायालय में 2016 से विचाराधीन बहुचर्चित हाई प्रोफाइल रसोईया सुमित केवट हत्या के प्रकरण में आज एक नया मोड़ आया। हाल ही में मृतक के माता पिता के बयान एवं लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार पलिया के तथ्यों के आधार पर द्वितीय सत्र न्यायाधीश श्रीमती शशिकांता वैश्य की अदालत ने पूर्व विधायक पुत्र एवं यूथ कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष शैलेंद्र उर्फ मुरू रघुवंशी सहित 3 लोगों को हत्या का आरोपी बनाया जाकर 5,000 रुपए के जमानती वारंट पर 27 अप्रैल तक तलब किया है। सुमित केवट की जुलाई 2016 में हत्या हुई थी, उसका प्रकरण द्वितीय
अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती शशिकांता बैस के यहाँ विचाराधीन था, जिसमें दिनांक 27/3/2016 को मृतक सुमित केवट की माता गोकुलबाई और पिता हरिराम केवट द्वारा बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने शंका जाहिर की है। इसमें शंका उन्होंने कुलदीप सरदार जग्गा और मोनू को हत्या करने की शंका जाहिर की है। उस हिसाब से उनको 319 का आवेदन लगाया था न्यायालय में, शासन की ओर से उसको आवेदन को स्वीकार किया है न्यायालय ने और उनको तलब किया है 5,000 के जमानती वारंट से। अभी 27/4/2018 निर्धारित हुई है, इसमें केस के लिए अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा। आपको बता दें कि 23 जुलाई 2016 को सुमित केवट, जो कि यूथ कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष के घर पर रसोईये का काम करता था, उसकी हत्या हो गई। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कैंट थाने में मृतक के पिता हरिराम केवट ने लिखवाई थी। ठीक 5 दिन बाद ही थोड़ी दूरी पर स्थित एक सरकारी नर्सरी में चादर में लिपटी मिली इसकी लाश। हत्या का मामला हाई प्रोफाइल एवं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के चलते कई दिनों तक जांच अधर में ही लटकी रही। माता पिता ने कैंट थाने पर भी सवालिया निशान लगाते हुए इस मामले की शिकायत तत्कालीन SP अविनाश सिंह से भी की थी। इसके उपरांत कुछ दिन बाद कैंट थाना पुलिस ने SP कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सुमित केवट के हत्यारे मोनू रघुवंशी के दूसरे नौकर को गिरफ्तार कर सुमित केवट के हत्यारे के रूप में बताया था। मीडिया में भी यह हाई प्रोफाइल मामला बहुत ही चर्चित हुआ था, साथ ही कैंट पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगे थे। कहा जा सकता है कि 1 साल 9 माह बाद न्यायालय में माता पिता की शंका एवं सरकारी वकील के तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए यह आदेश दिया है और इसी आज से मृतक के माता पिता अपने बेटे के असली कातिल को सजा दिलाने के लिए न्याय की गुहार में लगे हुए हैं। बीजाना में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।